तो उस दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग आई थी इस लाल किले को बनाने में। और जहांदर शाह, जिनका कि शासन 1712 से 1713 के बीच रहा, और उनके बाद आने वाले फर्रुख सिहार, जिनका कि शासन 1713 से और 1719 के बीच में उनका शासन रहा, उन दोनों शासकों को इसी नौबत खाने पर कत्ल कर दिया गया था। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन, मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजी भाई। गाइस, मैं आज आपको दिखलाने वाला हूँ दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। हाल फिलहाल में ही मैं आपको विजिट करा चुका हूँ आगरा का लाल किला, तो आज हम यहाँ पर घूमने वाले हैं ये दिल्ली का लाल किला। तो क्या इतिहास है, क्या डिटेल्स है, कब बना था, किसने बनवाया था, ये सारी डिटेल्स इस ब्लॉग में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं ये बेहद ही खास ब्लॉग। तो गाइस, आज हम घूमने वाले हैं दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। हाल फिलहाल में मैंने आपको दिखलाया था आगरा का लाल किला, और आगरा का लाल किले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर फुल डिटेल में वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं ये दिल्ली के लाल किले के पास में, और यहां पर अगर आने की बात की जाए तो यहां तक आने के लिए आप मेट्रो से आ सकते हैं, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन है, और लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उससे भी आप यहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हैं। टिकट की अगर बात करें तो 35 रुपीज़ का टिकट है, जिसमें कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप टिकट ले सकते हैं। मुगल वंश की शुरुआत 1526 में हुई थी, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा दिया था, और वहाँ से शुरुआत हो गई थी मुगल वंश की। उसके बाद उनके जितने भी बादशाह हुए, चाहे वो बाबर हुए हों, हुमायूं हुए हों, चाहे वो जहांगीर हुए हों, हालांकि शाहजहां ने भी कुछ समय तक आगरा से ही राज किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में शिफ्ट करने का फैसला किया। 29 अप्रैल 1638 को इसकी नींव रखी गई थी, और लगभग 10 साल का समय इसको कंप्लीट होने में लगा था। इस किले में एंट्री के 2 दरवाजे दिए हुए थे, जिनमें से एक का नाम है दिल्ली दरवाज़ा और दूसरे का नाम है लाहौरी गेट। तो अभी हम चलने वाले हैं और मैं आपको दिखलाने वाला हूँ दिल्ली दरवाज़ा। इस टिकट काउंटर से टिकट लेकर जब आप सामने की तरफ आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये दिल्ली दरवाज़ा। ये आप देख सकते हैं, इस दरवाजे का फेस क्योंकि दिल्ली की साइड है, हो सकता है कि बादशाह शाहजहां इसी गेट से बाहर निकलते हों, तो दिल्ली की तरफ आने का ये दरवाज़ा था, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया था दिल्ली दरवाज़ा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आम लोगों की एंट्री नहीं है, आम लोगों की एंट्री टिकट के साथ में लाहौरी दरवाजे के साथ में एंट्री होती है। इस किले के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 254 एकड़ में ये किला फैला हुआ है, और ये जो मजबूत दीवारें आप देख रहे हैं, ये मजबूत दीवारें 2.4 किलोमीटर एरिए में ये मजबूत दीवारें फैली हुई हैं। इस किले को सुरक्षा देने के लिए अगर आप देखेंगे, मुगल्स के जितने भी किले बने हुए हैं, अगर आपने आगरा वाला फोर्ट देखा है उसके भी पीछे यमुना है, और इस किले के भी पीछे की तरफ यमुना है, तो एक तरफ से तो यमुना से सेफ्टी हो गई, दूसरी तरफ ये मजबूत दीवारें जो कि मैंने आपको दिखलाई, हालांकि पीछे की तरफ भी ये मजबूत दीवारें हैं, तो एक तरफ जो है यमुना से सेफ्टी हो गई है पीछे की तरफ से, और सामने की तरफ ये जो आप देखेंगे, ये सामने की तरफ ये जो एक नहर टाइप ये बनाई हुई है, इसे आप यहाँ से देखेंगे तो 9 फीट ये गहरी है और 23 फीट ये चौड़ी है, जिसमें कि इसमें जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे, जैसे कि मगरमच्छ वगैरह वो सब छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई भी किले की दीवार के पास में ना जा सके। ये आप यहाँ से देखेंगे, एक ये जो बड़ा वाला ये आप यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें तो हो सकता है कि यहाँ पर एक टाइम में तोप वगैरह यहाँ पर लगाई जाती हो, जो कि किले की सेफ्टी के लिए लगाई जाती होगी। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जहाँ से आज की डेट में हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से पूरे देश को संबोधित करते हैं। यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और आगे यहाँ पर आप देखेंगे आज काफ़ी रश है यहाँ पर लाल किला देखने आए हुए लोगों का। तो आगे से एंट्री होगी और यहाँ से हम चलेंगे अंदर।
वह सिक्योरिटी चेक से जब हम आगे निकलेंगे तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा लाहौरी गेट, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है लाहौरी गेट। बेसिकली इस गेट का जो फेस है वो पाकिस्तान के लाहौर की तरफ है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है लाहौरी गेट। इस लाल किले के अगर बनवाने की पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो उस दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए की पोस्टिंग आई थी इस लाल किले को बनाने में, और ये जब ये किला कंप्लीट हो गया तो इसका नाम रखा गया था किलाए मुबारक। ये जो इसमें लाल रंग का जो ये पत्थर लगा हुआ है इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसका नाम रेड फोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इसको हिंदी में कहा गया लाल किला। क्या आप देख सकते हैं ये है ये लाहौरी गेट, और आम पब्लिक के लिए यही गेट ओपन किया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं इसी लाहौरी गेट से होते हुए इस ऐतिहासिक लाल किले के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं ये है ये लाहौरी गेट। इस पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी इस पे डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है, और यहाँ पर 2 तोप लगी हुई हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, जहाँ पर बच्चे फोटो वगैरह यहाँ पर ले रहे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये लाहौरी गेट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें ये लोहे के ये बड़े बड़े गेट इसमें लगाए हुए हैं, और यहाँ पर फिर एक और गेट है, और अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर। ये आप यहाँ से देख सकते हैं इस किले में जाने का ये मेन एंट्री गेट, और यहीं से एंट्री होती है उस बाज़ार की जिसे कहा जाता है छत्ता मार्केट, यानी कि छत वाली मार्केट। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं और हम देखेंगे छत्ता बाज़ार, जिसको 1646 में पाकिस्तान के पेशावर में बने हुए बाज़ार की तरह बनाया गया था। इस तरह के बाज़ार को बाज़ार मुसक्कफ भी कहा जाता है, जहां पर सक्कफ का मतलब होता है छत, यानी के छत वाला बाज़ार। ये आप देख सकते हैं ये 2 मंजिला छत वाला बाज़ार है, जिसके हर तरफ 32 दुकानें बनी हुई हैं। शुरुआत में ये बाज़ार शाही परिवार के लिए बनाया गया था, और यहाँ पर हर तरह की चीज़ें उस समय भी मिला करती थी। तो ये आप देख सकते हैं ये बाज़ार उस समय भी एक अलग रौनक हुआ करती थी, और आज के डेट में भी एक अलग तरह की रौनक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो भाई छत्ता मार्केट से जब बाहर की तरफ आते हैं तो आपको बिल्कुल अपने सामने देखने के लिए मिलता है नौबत खाना। नौबत खाना बेसिकली वो जगह हुआ करती थी जब बादशाह से मिलने कोई गेस्ट वगैरह आया करता था तो यहाँ पर ड्रम बजाकर उनका वेलकम किया जाता था। तो भाई ये जो आप जगह देख रहे हैं ये नौबत खाना, जिसको कि ड्रम हाउस भी कहा जाता है, ऐसा बतलाया जाता है कि मुग़ल शासन के 2 बड़े शासक यानी कि जहांदर शाह, जिनका कि शासन 1712 से 1713 के बीच रहा, और उनके बाद आने वाले फर्रुख सिहार, जिनका कि शासन 1713 से और 1719 के बीच में उनका शासन रहा, उन दोनों शासकों को इसी नौबत खाने पर कत्ल कर दिया गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छे ढंग से इसको बनाया गया था, और काफ़ी अच्छे ढंग से इसको ASI के द्वारा इसको मेंटेन किया गया है। ये 3-3 मेहराबदार ये गेट हैं यहाँ से, बट ये जो हैं ये आम पब्लिक के लिए बंद किए हुए हैं। ये बड़ा जो मेहराबदार गेट है, इस गेट से हम चलेंगे इसके अंदर। ऊपर की तरफ भी कुछ यहाँ पे रूम हैं, वहीं पर नगाड़े वगैरह बजा करते थे, बट आज की डेट में इन सबको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अभी चल रहे हैं यहाँ से अंदर, और अंदर चलकर देखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी डिज़ाइनिंग, यहाँ पर आप देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरती के साथ ये पच्चीकारी, इसकी पत्थरों को काट काट कर इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर ये फ्लावर ये बनाया हुआ है,
पत्थर को काटकर इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग उसी समय की ये यहाँ पर ये पेंटिंग्स ये आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनको कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब जो पेंटिंग्स हैं ये लगभग उसी समय की ये पेंटिंग्स हैं, किस तरह से इसको डेकोरेट किया गया था ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसको जो है ये तो खैर ASI ने इसको बाद में मेंटेन किया है। तो ऐसी ही पेंटिंग्स इधर की तरफ भी बनी हुई हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रांसीसी कुछ आयतें या फारसी में इसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हो सकती हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये रंग महल का ये बाहर का ये हिस्सा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसको कि पच्चीकारी के थ्रू, पच्चीकारी क्या होती है बता देता हूँ। पच्चीकारी बेसिकली पत्थरों को काट काट कर जो डिज़ाइन दिया जाता है, जो एक शेप दी जाती है, उसको पच्चीकारी बोला जाता है। इस गेट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे फ्लावर्स बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि पच्चीकारी के थ्रू बनाई गई हैं। आज की डेट में तो पच्चीकारी का वर्क मतलब क्योंकि मशीन के थ्रू डिज़ाइनिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन उस दौरान अगर यहाँ से अब से 300-400 साल पहले की अगर बात की जाए तो पत्थरों को काट कर छेनी से या कुछ भी और जो भी उनके पास में औजार होते होंगे उनसे उस पच्चीकारी को किया जाता था और ऐसा ये रूप इसको दिया जाता था। तो गाइज़ आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दिखलाया ये ऐतिहासिक लाल किले के अंदर का प्रवेश द्वार, छत्ता बाज़ार और ये रंग महल। इसी रंग महल में ऐसा बतलाया जाता है कि यहाँ पर फर्रुख सिहार और जो दूसरे बादशाह थे जहंदर शाह, उनको यहाँ पर कत्ल कर दिया गया था। तो गाइज़ होपफुली आपको दी हुई जानकारी और ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।